गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू TKS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर मैथ टीचर सामना, क्लास 6। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर, आई वॉन्ट टू शेयर अ हदीस विद यू। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पे है। ओके डियर स्टूडेंट, तो सुबह की नमाज जो है वो मस्त अदा किया करें, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक्स। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने पेज नंबर 54 जो है एग्जांपल नंबर 10 तक जो है वो फिनिश किया हुआ था। आज हम लोग एग्जांपल नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है हमें एलसीएम फाइंड आउट करने को कहा गया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा था, तो बजाय 2 टाइम लिखने के मैंने क्या किया कि 2 के ऊपर पावर डाल लिया, ताकि ईजिली मैं इसको राइट कर सकूँ, और मल्टीप्लाई बाय 3 सेम उसी तरह मैंने पुट कर दिया। अब 16 है, 16 में मैंने क्या किया, उसके मैंने फैक्टर लिए 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, ठीक है। अब यहाँ पे कितने 2 आ रहे थे, 4 2 आ रहे थे, बजाय 4 2 लिखने के मैंने क्या किया 2 के ऊपर पावर 4 डाल दिया। फिर लास्ट में 2 है, 2 के फैक्टर आ रहे थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब 2 की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, तो इट मीन्स कि हम लोग 2 को 2 के ऊपर पावर जो है वो 2 डालते हैं, ना कि बजाय 2 मरतबा लिखने के। और फिर मल्टीप्लाई बाय 5 जो है सेम उसी तरह, बाकी जो सिंगल नंबर रह जाते हैं उसको सेम उसी तरह आपने लिखना है, उसको स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम, जो एलसीएम मींस कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम जब लेंगे तीनों का, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, देखिए सबसे हाईएस्ट पावर जिसका था 2 के ऊपर 4 मैंने लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 रह गया, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 रह गया। यानी यहाँ पे देखिए 2 तो तीनों में आ रहा था, लेकिन जिसका पावर जो है वो हाई होगी, जिसकी हाई प्योरिटी होगी, हम वो लेंगे। तो 2 के ऊपर 4 जो है ये वाला 16 वाला हाई था, तो सब मैं ये वाला 2 लिख लूँगी और बाकी 2 को मैं स्किप कर दूँगी, ठीक है। लेकिन जो सिंगल नंबर होंगे उनको स्किप नहीं करना, जो सेम होंगे उनको आप स्किप करोगे। फिर ये मेरे पास जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए 16 आ गया, 16 कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि 2 के ऊपर पावर 4 था, वो इज इक्वल टू 16 आता, और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन तीनों नंबर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 240 आंसर आ गया। इट मीन्स कि इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या आ रहा था, 240। नाउ ओपन पेज नंबर 55। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो काइंडली मुझसे अभी लेक्चर के टाइम जो है आप लोग पूछा करें कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रही या इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही। बाद में जो है मसले जो है क्रिएट करने के बजाय अगर आप लेक्चर के दरमियान ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। नाउ ओपन पेज नंबर 55, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 55। Find the LCM of 32, 36 and 48 by prime factorization solution. अब यहाँ पे जैसे पीछे हम लोगों ने किया था LCM सेम उस तरह ये भी है। सबसे पहले 32 का LCM लिया, 2 1 2, तो कैरी मैंने क्या किया, वो 2 को दे दिया, तो ये बन गया 12, 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो ये नंबर आ गए, ठीक है। ये तमाम फैक्टर आ गए किसके, 32 के आ गए। यहाँ पे मैंने लाइन वाइज लिख दिया। अब मैंने इसको काउंट किया कि 2 कितनी बार जो है रिपीट हो रहा था, तो मैंने 2 के ऊपर पावर वो डाल दिया, 2 के ऊपर पावर 5 मैंने क्यों डाला, क्योंकि 2 जो है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा था। नेक्स्ट है 36। अब 36 का एलसीएम लेना है, 2 1 2, कैरी मैंने किसको दिया, 6 को, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। ये तमाम फैक्टर आए, ये तमाम फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 2
टू टू जो है पेयर में आ रहे थे और थ्री थ्री भी पेयर में आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टू के ऊपर स्क्वायर डाल दिया एंड थ्री के ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। अब यहाँ पे सेम इसी तरह 48 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा एट, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू थ्री ज़ा सिक्स एंड एंड में थ्री वन ज़ा थ्री। ये तमाम फैक्टर आ गए 48 के, यहाँ आगे मैंने लिख दिया। अब बजाय इतनी लंबी लाइन लिखने के मैंने क्या किया कि 2 को काउंट किया कि कितनी बार रिपीट हो रहा था, 4 टाइम। तो मैंने 2 के ऊपर 4 डाल दिया और मल्टीप्लाई बाय 3 सेम उसी तरह डाल दिया क्योंकि ये किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा था। अब मैंने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर, ठीक है। एलसीएम के जो है डिफिनेशन आपको आपके आगे लिख दी है। फिर इन्होंने क्या किया, द एलसीएम ऑफ 36, 32, 36 एंड 38। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले टू आंसर आ रहे थे ना मेरे पास, टू के ऊपर पावर देखना है, जो सबसे हाई पावर होगा आपने वही पावर यूज़ करना है, बाकी स्किप करना है। यहाँ पे देखिए टू के ऊपर पावर 5 है, यहाँ टू के ऊपर पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। तो इट मीन्स कि इन तीनों में कौन सा मैं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगी ये वाला क्योंकि इसके ऊपर 2 के ऊपर 5 पावर था, यानी इन दोनों से बड़ा है ये, तो इट मीन्स हाई प्योरिटीज़ की है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 के ऊपर पावर 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट जो है वो 3 आ रहा था, एक ये 3 है एक ये 3 है, इन दोनों में पावर किसका हाई है, इस वाले नंबर का हाई है यानी 3 के ऊपर 2 है, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी 3, ठीक है। आपके पास जो है नंबर ज़्यादा होंगे लेकिन आप लोगों ने पिक वो नंबर करना है जिसका पावर हाई होगा। अब यहाँ पे दोनों मैंने लिख दिए, अब इसका आंसर क्या है, यानी 2 को मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 32 आया और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 9, फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 32 जब मैं करती हूँ तो मेरे पास आंसर 288 आता है। तो ये क्या है, ये मेरे पास जो है एलसीएम फाइंड आउट हो गया है 32, 36 एंड 48 का। अब यहाँ पे देखें एलसीएम बाय द डिवीजन मेथड के आपको स्टेप बताए गए हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ एग्जांपल समझाऊंगी इस पेज नंबर 56 का और यही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ भी दी गई है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग द एल सी एम ऑफ टू और मोर नंबर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन नीड अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, सो अ सिंपल मैथड नॉन एज अ डिविजन मैथड इज यूज। अब यहाँ पर देखें, कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो कैलकुलेशन होती है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पर देखिए इसको जो है इजी करने के लिए यानी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक और मेथड जो है वो डिराइव किया है, ठीक है। तो अब उसका स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। स्टेप वन है, चूज़ अ डिवाइजर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एट टू लीस्ट टू ऑफ द गिवन नंबर। कहते हैं हमारे पास आप लोगों ने ऐसा डिवाइज़र लेना है जो डिवाइड हो सके दो, एटलीस्ट कम से कम दो नंबर्स पे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन थे नंबर्स लेकिन यहाँ पे तीनों आप लोगों ने ऐसे ही कोई नंबर लिया है जो यानी ज़्यादातर जो है, देखिए 20 भी सॉल्व हो सकता है इससे और 24 डी सॉल्व है, एटलीस्ट टू नंबर जो है वो सॉल्व हो सकते हो उस डिवाइज़र से। देखिए ये तो सेम उसी तरह आया लेकिन इस टू से ये भी सॉल्व हुआ और ये भी सॉल्व हुआ नंबर। तो ये था स्टेप वन। स्टेप टू है, कैरी फॉरवर्ड द रिमेनिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाय द डिवाइजर इन अ रो बिलो द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ 45 था, 45 जो है वो सॉल्व नहीं हुआ टू से, तो सेम इज इट वो नीचे आ गया है, नीचे दूसरी रो में शिफ्ट हो गया है। नाउ स्टेप थ्री, कंटिन्यू द प्रोसेस अनटिल नो टू नंबर्स आर अवेलेबल फॉर फर्दर डिविजन। कहते हैं तब तक इसको कंटिन्यू करना है जब तक हमारा जो है डिवीजन जो है यानी दो नंबर जो है वो सॉल्व ना होते हो फर्दर डिवीजन में। लास्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर एंड द रिमेनिंग अनडिवाइडेड नंबर इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। यहाँ पे आपको आंसर बताया गया कि आंसर हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, ये तमाम फैक्टर्स
ये तमाम फैक्टर जो है मेरे पास होंगे, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो मेरे पास एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये थी ये मेरे पास थी डिफरेंट स्टेप, ठीक है, डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है यही एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 एंड 24 एंड 45 बाय द डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या है कि यानी तीनों को एक साथ मैंने करना है, तो मैंने तीनों एक नंबर एक साथ लिए। अब मैंने ऐसा ये डिवाइज़र लेना था जो कम से कम दो नंबर को तो सॉल्व कर ले, ताकि तीसरी को करे या ना करे लेकिन दो नंबर तो एटलीस्ट सॉल्व कर ले। तो वो क्या थी, 2 1s are 2 एंड 0 सेम उसी तरह अगर 2 10s are 20 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टेप 2 1s are 2 2 2s are 4। अब ये वाला नंबर जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो ये सेम इसी नीचे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब अगेन है 2 5s are 10 2 6s are 12। अब इससे अगेन सॉल्व नहीं हो, तो वो अगेन नीचे आ गया है। अब फिर देखिए 2 अब 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो अगेन वो क्या आ गया, नीचे सेम उसी तरह आ गया। 2 3s are 6 सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक 6 सॉल्व हुआ, बाकी 5 भी उसी तरह है, 45 भी सेम उसी तरह नीचे आ गए, ठीक है। अब ये दोनों नंबर नीचे आ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब 3 के टेबल से ना तो 5 सॉल्व होता है ना ही 45 सॉल्व होता है, 5 अगेन नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे ये 3 नंबर सॉल्व हो रहा है। 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3 एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कैरी दे दिया। 3 1s are 3 4 में से एक कैरी इसको दे, तो 15 बन गए, 3 5s are 15। लास्ट में देखें, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास फिगर चेंज हो गए। अब यहाँ पे 5 अगेन नीचे उसी तरह आ गया, ठीक है, अगेन नीचे की तरफ आ रहा है 5। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 उसको नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि 3 जो है ये 24 जो है अब सॉल्व हो चुका है, अब जो है रह गया 5 और 15 है। तो मैंने क्या किया, 3 5s are 15 1 सेम उसी तरह नीचे आ गए, 3 5s are 15। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 भी उसी तरह नीचे आ रहा है, 1 भी उसी तरह नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये तीनों नंबर मेरे पास आ गए, 5 1 and 5। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना, 5 के टेबल से करना है, 5 1s are 5 1 इस तरह आ गया एंड 5 1s are 5। तो ये क्या हो गया, नंबर मेरे पास जो है वो तीनों सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। एंड तक जो नंबर सॉल्व नहीं हो रहे उसको नीचे की तरफ अगेन आप लोग शिफ्ट करते जाओगे। अब यहाँ पे ये वाले तमाम फैक्टर मेरे पास आए हैं किसके, एलसीएम का आंसर है। इन तमाम नंबर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 360 आंसर आ गया है। स्टूडेंट, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। एग्जांपल नंबर 14 जो है, आप में से कौन मुझे समझाएगा, रेज योर हैंड। एग्जाम्पल 14 सेम उसी तरह है जिस तरह से एग्जाम्पल 13 मैंने आपको समझाया था, आप में से कौन जो है वो मुझे समझाएगा। मौसम सेठी, अपना माइक अनम्यूट करें। मौसम सेठी, अपना माइक अनम्यूट करें। फाहद, काइंडली अपनी कैमरा सब ऑन करें। फाहद, हारिस सफदर, हाशिर हसन, साहिद, मुस्तफ़ा, सुहेल, अपने कैमरा ऑन करें। काइंडली स्विच ऑन योर कैमराज। हसन साहिद, काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें। हसन साहिद,
फहद, हाशिर अपना माइक अनम्यूट करें। फहद जी, फहद जी, हाशिर, क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें आपको जो है एलसीएम फाइंड आउट करने को कहा गया है, क्या आप मुझे अब एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी फहद अपना माइक अनम्यूट करें। फहद अपना माइक अनम्यूट करें। जी फहद, मेरी आवाज आ रही है आपको? फहद, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, काइंडली लाउड बोलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 720 एंड 1296 बाय द डिवीजन मेथड। सॉल्यूशन जो है हम लोगों ने करना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास फिगर है 2, 3, 6, तो यहाँ पे एक कैरी इसको मिल जाएगा, 2, 6, 12 एंड 0। फिर सेम इसी तरह 2, 6, 12, 2, 4, 8 कैरी मैं इसको दे दूंगी एक, क्योंकि 8 आ गया था तो 9 था यहाँ पे नंबर, तो 8 नंबर मैंने इसको कैरी दे दिया। 2, 8, 16, 2, 1, 2 यहाँ पे हम लोग कैरी दे देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर, तो 8, 16, 0 सेम इसी तरह आ गया। 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 4, 8 फिर 2, 9, 18 फिर 0 इसी तरह, फिर 2, 1, 2 यहाँ पे कैरी दे देंगे हम लोग। 2, 6, 12, 2, 2, 4 अब यहाँ पे देखिए 2, 4, 8 तो मैंने यहाँ इसको कैरी दे दिया गया। 2, 5, 10 फिर 2, 8, 16 2, 1, 2 फिर सेम इसी तरह 3, 1, 3 यहाँ पे मैं कैरी दे दूँगी। फिर यहाँ पे देखिए 3, 5, 15 फिर यहाँ पे देखिए 3, 2, 6 यहाँ पे मैंने इसको कैरी दे दिया। फिर 3, 7, 21 फिर यहाँ पे सेम इसी तरह जो है 3, 5, 15 3, 9, 27 फिर 3, 5, 5 इसी तरह अगेन नीचे आ गया क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता। फिर 3, 3, 9 5 अगेन नीचे आ गया। फिर नीचे मेरे पास 3, 1, 3 एंड में 5, 1, 5 अगेन आ गया, ठीक है। तो ये थे मेरे पास, क्या हो गए, ये मेरे पास तमाम जो है वो फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन वाइज सारे लिख दिए हैं, फिर इसको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 6480। सेम इसी तरह एग्जांपल नंबर 15 है, आप लोगों ने इसको खुद देख लेना है। इंशाल्लाह कल मैं आपको एग्जाम्पल 16 से समझाऊँगी। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आया कर तो काइंडली लेक्चर के दरमियान पूछा करें, क्योंकि बाद में जो है आपको समझ में नहीं आएगी कि आपके एग्ज़ाम होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।